पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद में पिछले महीने 1 दिसंबर को छजलैट थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या कर शव को खेतों में दबा दिया गया था, जिसके बाद पुलिस पर इस मामले में ढील डालने के आरोप परिजन लगा रहे थे। वहीं अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है तो सभी के होश उड़ गए हैं। युवती की हत्या उसके प्रेमी ने अपने मामा के साथ मिलकर की और उसे खेत में दफना दिया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। 1 दिसंबर को छजलैट थाना क्षेत्र के गांव विलायत नगर में एक युवती का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। उसकी शिनाख्त गांव के ही आरती के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। SP देहात उदय शंकर सिंह ने बताया कि मृतका के मोबाइल डिटेल के आधार पर बिजनौर का मोनू उर्फ गुड्डू आया, जो कि विलायत नगर में अपने मामा के साथ राजमिस्त्री का काम करने आता था। करीब 8 महीने पहले मोनू की आरती से मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। मोनू ने पूछताछ में बताया कि 1 दिसंबर को आरती ने फोन पर जानकारी दी कि उसके पिता बिजनौर में उसके लिए लड़का देखने गए हैं। वो रात में ही गांव पहुंच गया और आरती गन्ने के खेत में उसके साथ पहुंच गई। दोनों ने भागने का प्लान बनाया। इस दौरान आरती को छोड़कर मोनू बाइक और पैसे की बात कहकर उसे खेत में ही छोड़ गया। पुलिस के मुताबिक दोनों परिजनों के साथ आरती को ढूंढने का नाटक भी करते रहे। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। थाना छजलैट पुलिस व इंटेलिजेंस विंग मुरादाबाद ने मिलकर 1 दिसंबर की रात्रि में ग्राम विलायत नगर थाना छजलैट क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती की लाश गन्ने के खेत में मिली थी। अज्ञात में हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने उक्त घटना की प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन करते हुए इस घटना में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से आलाकत बरामद किया गया है। घटना का कारण प्रेम प्रसंग का होना पाया गया है। मृतिका गन्ने के खेत से चलकर रास्ते में अपने घर के लिए आ रही थी। उनके पिता उसकी शादी कहीं अन्य स्थान पर करना चाहते थे, जिसके लिए वह राजी हो गई थी। मृतिका के प्रेमी जो गुड्डू नाम का व्यक्ति है, उसने पहले उसको बहला फुसला कर एक गन्ने के खेत में बिठा दिया उससे बात करने के लिए, और तदोपरांत रात्रि के समय वहाँ गन्ने के खेत में जाकर जब उसने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया और वहाँ से निकलकर आने लगी, तो गले में दुपट्टा से उसका गला घोटकर मामा और भांजे दोनों मिलकर उसकी हत्या कर दिए। इसमें उल्लेखनीय है कि जो पंकेश नाम का व्यक्ति है, वह गुड्डू जो मृतिका से प्रेम संबंध रखता था, उसने अपने मामा के साथ मिलकर यह हत्या कारित की है। इसमें दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं।